महाकाल लोक की 11 मूर्तियों में दरारें, गजासुर सहार की मूर्ति ने छोड़ी जगह। महाकाल महालोक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सप्त ऋषियों की मूर्तियों और अफसरों की नींद जिस आंधी में उड़ी उसके और भी प्रभाव सामने आने लगे हैं। यहाँ लगी बाकी मूर्तियां भी मजबूत व सुरक्षित नहीं दिख रही। कई में दरारें पड़ने लगी हैं, कुछ का रंग भी उड़ने लगा है। जाहिर है महाकाल लोक में लगाई गई मूर्तियों की मजबूती इस छोटी सी आंधी में जवाब देने लगी है। हालांकि सरकारी जवाब अब भी यही है, सभी मूर्तियों में सुधार कर लिया जाएगा। भास्कर रिपोर्टर और फोटो जर्नलिस्ट ने महाकाल लोक जाकर एक एक मूर्ति को पास से देखा। कुल 11 मूर्तियों के अलग अलग हिस्से में दरारें हैं, बाकी करीब 11 मूर्तियों के किसी हिस्से का रंग उड़ने लगा है तो किसी में कोई और परेशानी। भगवान शिव की एक प्रतिमा के तो सीने पर ही दरारें आ गई हैं। गजासुर सहार दर्शाने वाली मूर्ति का बेस कमजोर दिखा। सप्तऋषि की मूर्ति गिरने के प्रमुख कारणों में से एक यही था कि यानी जरा सी हवा फिर से चली तो फिर कुछ हादसा सामने आ सकता है। त्रिपुरासुर वध महाकाल लोक में सबसे बड़ी प्रतिमा है, इसके रथ के पहिए में दरार है तो भगवान शिव के रथ के छत्र में भी दरार आ चुकी है। रथ के अन्य हिस्से भी कमजोर हो चुके हैं, बाकी मूर्तियों की दशा भी कोई ठीक नहीं। कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय की भाला पकड़े मूर्ति के हाथ का रंग खराब हो गया है, इसमें भी दरारें आ गई हैं। कमलासन महालक्ष्मी सबसे ऊंची तीन मूर्तियां पास पास हैं। भगवती शक्ति स्वरूपा कमलासन महालक्ष्मी के कमल की पत्तियां जगह छोड़ चुकी हैं। वहीं भगवान शिव की प्रतिमा का हाथ की दरार देखकर लगा कि कहीं गिर ना जाए। गजासुर सहार बेहद सुंदर आकृति में से एक बटुक भैरव ने बेस ही छोड़ दिया है, इसमें हवा पानी अंदर जा सकता है। शिव प्रतिमा हाथ उठाए शिव की मूर्ति के पैर और पास ही शेर की प्रतिमा में भी दरार आ चुकी है, शेर की प्रतिमा ने भी बेस छोड़ दिया है। यहाँ भगवान पहाड़ पर खड़े हैं, भगवान का रंग भी कई जगह से निकल चुका है।